अच्छा जी, अच्छा जी, चूड़ियाँ जा रही हैं आपकी आंखें मुझे देख लग रहा है, नंद भी लग रही है। अच्छा जी, आई मेरा पति बहुत कमजोर है, एकदम कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, हाथ पैर छूते ही दब जाता है। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग के नाम पे हम बस मार्केट घूम के आ जाएंगे, लेंगे कुछ नहीं, फिर भी दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं, है ना? पूजा की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो पूजा की शॉपिंग में क्या होता है? कैलेंडर होता है और क्या चिपकाने वाला कुछ होता है। बाकी मार्केट में जाके देखते हैं कि क्या क्या है और हम क्या लेते हैं। वैसे कुछ पसंद आता तो है नहीं हमको, है कि नहीं? नहीं, फिर भी चल के देख के आते हैं कि हैदराबाद में मार्केट की कैसी रौनक है दिवाली की। और मेरे ऊपर कमेंट कस कर रहे थे और इधर देखो, है बन ठन के तैयार हो रहे जल्दी जल्दी। सजा हुआ है, क्यों ऐसे चला रहा है भाई? तो मिल जाएगा यहाँ से भी। हाँ, ले सकते हैं और आगे भी देख लें। प्लेन प्लेन दिया लेते हैं ना, प्लेन प्लेन दिया पूछ सकते हो कैसे है। और देखोगे ये 50 का है, उधर 60 इधर। मेरा 40, 50 रुपीस का 40 का है दादा। देखना है और नंबर वाला एक, ये कोसा कैसे देंगे? बड़ा वाला जो कोसा है पिछले बार भी ऐसे लिए थे ना, ले सकते हैं। खिलौने बहुत सुंदर सुंदर हैं यार। तो इस मार्केट में हम लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ से हर साल हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पे भी जा के देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्राइस है और कैसा मिल रहा है सब कुछ। तो अभी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं।
और बाज़ार में बहुत ज़्यादा रौनक थी, पटाखे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे। मतलब पूरी धनतेरस के दिन पहले का ये है, और धनतेरस इस बार दो दिन पड़ रहा है ना, तो ये फर्स्ट डे का है। और अभी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उस मार्केट जहाँ से हम लोग मीठा परचेज करते हैं। थोड़ा सा दूर है, करीब 5 मिनट लगेगा हम लोगों को वहाँ जाने को, और वो सामने दिख रहा है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और सच में बता रहे ना, काफ़ी रौनक के खिलौने बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे, और ये शॉप भी काफ़ी अच्छी है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। छोटे छोटे मेटल के है ना, इस मार्केट के बाद हम लोग दिवाली की अंधेरे हुए लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे रिलायंस मार्केट, ताकि घर के कुछ ग्रॉसरी आइटम जो फेस्टिवल में कुछ यूज़ होंगे वो सब हम लोग यहाँ से परचेस करेंगे। और आए थे थोड़ा ही सामान लेने, लेकिन फिर भी लेते लेते बहुत ज़्यादा ही हो गया। नहीं यार, आज के दिन दवा वाने खरीदना चाहिए। अभी अभी हम लोग बाहर से शॉपिंग करके आए हैं, मतलब दिए लिए, कुछ वेजिटेबल्स लिए, कुछ बिस्किट्स वगैरह, ग्रॉसरी का कुछ सामान हम लोग लिए, और उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं। तो अभी जो है 8 या 8:30 के आसपास हो रहा है, और आज खाना नहीं बनाऊंगी मैं, बाहर से नूडल्स ऑर्डर किया है तो वही हम लोग खाएँगे आज, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी अभी हो गया है। और वहाँ पर चेयर पर वो सारे कपड़े वॉश करने के लिए मैंने रखा है, तो मैं अभी ना रात के टाइम ही अभी उसको वॉश करने के लिए लगा दूँगी, और मशीन में तो वॉश हो जाएगा, और मॉर्निंग में मैं उठ के धूप में डाल दूँगी। जैसे मॉर्निंग के टाइम, यहाँ का शाम के टाइम वेदर थोड़ा ख़राब हो जा रहा है, बारिश वाला मौसम हो जा रहा है आफ्टरनून से, लेकिन मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप रह रही है। तो दिवाली है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है आज, वैसे भी जो क्लीनिंग का काम था बहुत सा आज निपट गया है, बस थोड़ा सा सब मैनेज करना है, सामान को सही एडजस्ट करके रखना है बस। और मार्केट में बहुत ही रौनक थी, बहुत सी शॉप पूरी सजी हुई दुकानें थी। उतना दिवाली का क्रेज़ यहाँ पे उतना नहीं रहता है जितना यूपी में या हम लोगों के साइड में रहता है, यहाँ पे थोड़ा कम रहता है। तो लेकिन फिर भी मार्केट बहुत अच्छे से लगा था, क्योंकि हर जगह, हर शहर के लोग रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्केट लगा हुआ था। डेकोरेट करने के लिए बहुत ढेर सारे आइटम थे, तो हम लोगों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें थोड़ी बहुत ली, और थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोग कल करेंगे। तो चलिए कुछ खाने के बाद मिलते हैं। अरे कोई नहीं, आप क्यों हटेंगे? अभी है ये हमारा आज का डिनर, नूडल्स और मंचूरियन, और साथ में सैलड है, और सामने टीवी में चल रहा है हनुमान।
भगवान द लेजेंड करके जो एपिसोड आते हैं वो, बस अब हम लोग डिनर करेंगे और देखिए आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं रहेगी, तो डिनर के साथ साथ मैं आप लोगों को बाय बाय बोलती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, और कल है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस, बाय।